जब भी कभी आप इटेबल थिंग्स को परचेस करते हैं तो उसके पीछे आपको दिखता होगा FSSAI। जो लोग नहीं समझते समझा दें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। और ये जो अंदर आता है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसका जो मेन काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो होता है जो फूड आप परचेस कर रहे हैं वो ह्यूमन के लिए बिल्कुल फिट रहे वो बताना। यानी ये पहले टेस्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर जो कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद जब इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें उनको मिलती हैं या फिर उसके बाद ये चीज़ें मार्केट में आती हैं। तो ये इनका मेन काम होता है। अब आपका सवाल ये आ रहा होगा कि आज के दिन हम इसमें स्टॉक मार्केट का चैनल है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हमारा और आपके लिए कुछ सेफ्टी की तरफ ये ध्यान दे रहे हैं या फिर हमारे हेल्दी होने की तरफ ये कुछ स्टेप ले रहे हैं, तो इसीलिए हम सभी को जानना ज़रूरी है। दरअसल मुद्दा ये है कि कुछ टाइम पहले FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नोटिस भेजा कुछ रेस्टोरेंट्स को, ठीक है, भेजा। उन्होंने सीधा से एक सवाल उनसे पूछा या फिर जानने की कोशिश की, जो आपका फूड मेन्यू है इसमें आपका फूड का नेम है एंड उसका फूड का प्राइस है, आप सामने ये क्यों नहीं लिखते कि इसमें कितनी कैलोरीज है। ये उन्होंने नोटिस भेजा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को। तो इनमें से बहुत सारे जो रेस्टोरेंट थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ एक्सटेंशन चाहिए, मतलब अभी हमारे पास जवाब नहीं है, बाद में दे देंगे। और उनमें से अगर हम बात करें 16 रेस्टोरेंट बिल्कुल ऐसे थे जो फेल हो गए थे बिल्कुल रिस्पॉन्ड करने के लिए। अब इन 16 के साथ हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद ये कहें इनका लाइसेंस सस्पेंड हो गया था। अब समझ में आपको ये नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या नई चीज़ इंडिया में होने वाली है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हो वेल बिल्कुल कुछ नहीं रहा। FSSAI ये चाहती कि इंडिया बिल्कुल हेल्दी रहे या फिर इंडिया हेल्दी खाना खाए। इसी चीज़ को उन्होंने एक मुहिम की तरह से शुरुआत की है जिसका नाम रखा है ईट राइट इंडिया। ये इन्होंने शुरुआत की। इस मुहिम का सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि एडुकेट करना हर एक इंडियंस को किस चीज़ के लिए, ईटिंग राइट थिंग। एज पार्ट ऑफ दिस कैंपेन इन्होंने कुछ नए गाइडलाइन भी शुरू की हैं। इस जिस गाइडलाइन जो है रेस्टोरेंट के लिए, हमारा और आपके लिए नहीं है, वो क्या है कि अगर किसी रेस्टोरेंट के 10 से ज़्यादा आउटलेट हैं और उनका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको बिल्कुल मेंशन करना होगा अपने मेन्यू में कि इस आइटम के साथ, इस आइटम का नाम ये है, सपोज एग्जांपल पनीर है, इसका प्राइस 350 है और इसमें इतनी कैलोरीज हैं, ये आपको मेंशन करना होगा। ऑल द बहुत बिगिनिंग स्टेज पे है, अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, अभी आप इसको, इस चीज़ को मार्केट में नहीं दिखेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे चीज़ आपको दिखेंगी, इसलिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अब आपका सवाल ये आ रहा है, चलो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, क्या इंडिया में काम करेगा नहीं करेगा या फिर या FSSAI ऐसा कर क्यों नहीं, ये भी समझ लेते हैं। एक रिपोर्ट यानी डाइन आउट की एक रिपोर्ट की अगर माने तो लास्ट ईयर 45 मिलियन इंडियन ने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में एटलीस्ट एक बार तो खाना खाया। तो आप कहेंगे भाई खाना खाया वो भी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, यानी कि शुरुआत हो रही है जो होम कुक फूड है उसको रिप्लेस कर रहा है बाहर का खाना, यानी प्रिपेयर्ड मील इसको रिप्लेस कर रहा है। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी अगर हम कंपेयर करें घर के खाने में और बाहर के खाने में, जब हम घर पे खाना बनाते हैं तो हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, चीज़ें लानी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं और वहीं अगर हम बाहर के खाने की बात करें, रेस्टोरेंट के खाने की बात करें तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। यहीं से धीरे धीरे करके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहले प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, यानी कि डाइट रिलेटेड डिजीज़ या फिर ये कहें सच एज हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये धीरे धीरे करके इंडिया में बढ़ रही है। दूसरी अगर हम बात करें, ओवर टू थर्ड ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी क्या क्या आते हैं इसके अंदर, हाइपरटेंशन, डायबिटिक एक्सेट्रा, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ 60% जो पॉपुलेशन है वो 35 एज के अंदर आती है। मतलब किसी भी कंट्री के लिए जो उसका सबसे ज़्यादा काम करता है, जो एज ग्रुप जो सबसे ज़्यादा इनकम ग्रोथ लेके आता है, इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता है, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है घर का खाने से बाहर के खाने में। उससे होगा क्या, धीरे धीरे अनहेल्दी होना शुरू हो जाएगा उसका यूथ, उस कंट्री का। और देन उसके बाद अगर ये ओवर द नाइट, ओवर द डिकेड नहीं होगा, 5 साल 1 महीने में बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन डिकेड्स लगेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, धीरे धीरे जो यूथ अगर इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है वो अनहेल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो उस कंट्री कितनी स्ट्रांग रहेगी आने वाले टाइम में, उसके ऊपर आप सोच सकते हैं। इतना ही नहीं, जो ये साइलेंट किलर है, मतलब जो बाहर का खाना धीरे धीरे करके हमें पहले कुछ बीमार कर रहा है फिर मार रहा है, उसके ऊपर इंडिया से पहली कंट्री नहीं है जो काम कर रहा है। इसके अलावा भी और पहले कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसके ऊपर सोच चुके हैं, काम कर रही हैं, और जिस जो इन्होंने नाम दिया है साइलेंट किलर, इसका नाम दिया है इन्हें। 2008 में न्यूयॉर्क से इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने मैंडेट किया है लार्ज फूड चेन को, ध्यान से समझिएगा, हर एक छोटे दुकानदार को नहीं, लार्ज फूड चेन को उन्होंने मैंडेट किया है कि आप अपनी कैलोरी भी मेंशन कीजिए अपने मेन्यू में कि कितना है। दूसरी बात को उसके बाद फॉलो किया है US के बाद, UK, UAE और इन सभी ने कंपलसरी कर रखा है रेस्टोरेंट को कि अपनी ये दिखाइए, आप डिस्प्ले कीजिए मेन्यू में कि कितनी कैलोरी है हर एक फूड में।
इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंडिया पर काम करेगा नहीं करेगा। इंडिया में अगर हम बात करें खाने के बहुत सारे वैरायटी है, रीजनल फूड इतने सारे हैं। हम बात करें बिरयानी, 30 तरह की होती है, बिरयानी है, मटन की बात करें, चिकन की बात करें, पनीर की बात करें, हर जगह रीजनल फूड, उनके अपने इंग्रेडिएंट्स या फिर अपने अपने मेथड रहते हैं। तो ऐसे में कैलकुलेट करना, एनालिसिस करना थोड़ा सा FSSAI के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए शुरू में ही हमने आपको बताया था कि अभी ये टेस्टिंग फेज में, बट इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है धीरे धीरे। मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है ये तो आप समझ गए हैं। अभी तक कोई प्रॉपर गाइडलाइन निकल के नहीं आ जाती जिसे हम कह सकते हैं फाइनल गाइडलाइन है। तब तक एटलीस्ट FSSAI का कहना है रेस्टोरेंट को कि अब एटलीस्ट जो फूड है उसकी क्वालिटी के ऊपर तो ध्यान दीजिए ही। इन सब के बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है, क्या ये एक्चुअली हेल्प करेगा पीपल का? मतलब कहने का मतलब है, अगर रेस्टोरेंट ने लिख भी दिया, क्या पीपल मानेंगे इसको? क्या हम और आप मानेंगे? क्या इसका कोई रिजल्ट निकल के आएगा? इसका जवाब ना FSSAI के पास है ना हमारे पास है, बेसिकली जवाब है आपके ऊपर। कई सारे लोग कहेंगे भाई होटल ने तो लिख दिया, रेस्टोरेंट ने लिख दिया, FSSAI ने बिल्कुल मैंडेटरी भी कर दिया, लेकिन हम तो वही खाएंगे, क्योंकि मैंडेटरी तो खाने के ऊपर नहीं है। वो तो चाहेंगे, जो आप चाहेंगे वही आप ऑर्डर करेंगे, वही आप खाएंगे, तो इसका डिसीजन तो आप ही के ऊपर आएगा। बट इसका कुछ इंपैक्ट तो आएगा। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि जो नया गाइडलाइन जब आएंगे इसका सैम्पल मेन्यू कैसा रहेगा, तो आपके सामने आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से आपको दिखेगा, सपोज अगर हम बात करें पनीर बटर मसाला, तो उसके आगे उसकी कैलोरी लिखी रहेगी एंड प्राइस लिखा रहेगा। बाकी चीज़ दो चीज़ें तो पहले से थी, यानी कि प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, यहाँ से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो फिटनेस वाले लोग हैं, एक चीज़ उन्हें थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी कि हमें इतनी कैलोरी लेनी है। दूसरे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है आप यहाँ से समझ पाएंगे, ये हमारे लिए काफ़ी हैवी हो जाएगा। तीसरा, आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रह सकते हैं। उसी तरह से कई बार जैसे आप प्रोडक्ट देखते हैं, प्राइस देखते हैं, आप प्रोडक्ट तो बाद में देखते हैं, प्राइस देखते हैं महंगा है, छोड़ो यार इसको नहीं लेते हैं, सस्ते वाले को देखते हैं, देन उसके बाद प्रोडक्ट देखते हैं, फिर ऑर्डर करता है। बहुत सारे लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। उसी तरह से अगर आप कैलोरीज को भी देखेंगे, नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा इसमें कैलोरी है, इसको अवॉइड करते हैं एज ऑफ नाउ, आज तो एटलीस्ट आज तो। सो इसी तरह से उसके बाद आप प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, थोड़ी थोड़ी सही लेकिन धीरे धीरे सही चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं अगर हम और आप चाहें तो। अदरवाइज कोई मैंडेटरी से ना ही रेस्टोरेंट कर सकता है कि आपको यही खाना होगा ये नहीं खाना होगा, ना ही FSSAI कर सकती कि आपको यही खाना होगा। फाइनली जाके कोशिश हो रही कि हेल्दी इंडिया बनाया जाए, हेल्दी खाना खिलाया जाए, सो दैट हेल्दी इंडिया हेल्दी कंट्री बन सके। आपके सामने कुछ मेन्यू है, आप इसको आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया हेल्दी खाना खाएगा या नहीं खाएगा? क्या इंडिया बिल्कुल फिट रहेगा या नहीं रहेगा? चाहे तो आप हमें बता सकते हैं आपका क्या पर्सनल थॉट है, जो ये नए गाइडलाइन आने वाले हैं जिसके ऊपर काम कर रही है सरकार, सही है या फिर गलत है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड रेगुलर बेसिस पर इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, हर एक अलग अलग फील्ड के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।